हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, कैसे गुजर रहे हैं रोज़े। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल्स। तो क्या बात है, आपने हमारा ब्लॉग देखना छोड़ दिया, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। हम इतनी एफर्ट करके रमज़ान में भी आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आ रहे हैं। आप भी थोड़ा टाइम निकाल के हमारे ब्लॉग्स देखें और हमें सपोर्ट करें। तो आए देखते हैं क्या डालना है इसमें। ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 पाव गाजरे हैं, 1 बन जोन्स है गोभी का फूल मैंने लिया था, और ये पाव मैंने चिकन लिया, इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च यानी के, और 1/2 टीस्पून ये चिल्ली फ्लेक्स धड़ा मिर्च, थोड़ी सी इसमें जाएगी चिल्ली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा सिरका। ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल, इसमें जा रही है सारी गोभी। ये साथ ही इसमें डाल दूंगी सारी गाजर। थोड़ा सा इसको करेंगे कुछ, ये अपने पानी में फूटी जरा थोड़ी सी, पानी खुश्क हो रहा है सब्जियों का। तो वेट नहीं करते, तो हाफ हो गई है, तो साथ इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सिरका, विनीगर ऐसे भी दिया जा रहा है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, और ये बाकी सारे क्या लेके आई है मोटू, क्या लेके आई हो? हम आपी लेके आई है पैटीज, चिकन क्रिस्पी बर्गर। थप्पड़ बड़ा हम भाई करते हैं बहुत अपना। अब ये हिसाब लगाएगी कब कितने खाने। नहीं इससे बड़ा पैक ही बोला, मैंने थोड़ा 8 वाला लेना था। डाल दे मां, पता डाल दे इसे, आपका बेटा तो लेके जाता नहीं है। एक मिनट, चल मैं डाल दूं सारा। चल उसको बुला दी, तुझे तो नहीं बुला दी, है तो पानी दे क्या बताऊँ। आज भी देखो बच्चों, ये अच्छी तरह मेरी फ्रॉक रेडी हो गई, उनका पानी खुश्क हो गया। कौन सी बोल, पानी खुश्क हो गया, इसका पानी नहीं डाला, बस खाली फ्राई 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 करके तो इनका मसाला मैंने बना लिया। अब मिलते हैं एक लंबे कॉल के बाद, क्योंकि इनकी बहन का फ़ोन आ चुका है, अब सारी रेसिपियाँ गायब। सारे इसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर इसको रोल में पता। महरून है के लाल, मुझे पता ये महरून है के लाल, आज ज़्यादा ही कुछ वो हुए हैं तेज़। क्यों बात करेंगे मेरी क्यों नहीं है, एक ये तो सबको आता, फिर भी देख लें नो जैसे नलायक भी तो आपको भी नहीं आता। हम लोगों को बुला के कैमरा पकड़ के बैठ रही हैं, तो पकड़ ले मैं वो खोल लेती हूँ। दोनों साइडों से करेंगे फोल्ड, इसको करेंगे समोसे नहीं बनाने थे। अच्छा ये बन गया हमारा स्प्रिंग रोल, अब बाकी भी इसी तरीके से बनाते हैं। करो फटे भी निकल गए,
तो मैं ये देखे यार कि हाथ कंट्रोल में कराए। सॉरी फिर आपको खाएंगे जी। तो साथ अब खाने के लिए बनने लगे हैं मसाले वाले चिकन कबाब। मैंने कहा चलो वो भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ मेरे पास है हाफ के जी कीमा, ओए हाफ के जी कीमा है, ये एक बड़ा प्याज में उसको डाला ला। हंस क्यों रही हैं? एकदम मुझे लगा ऊपर से खा रही हैं। अच्छा इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सूखे धनिया का भर के। गरम मसाला भी इसमें लाजम डलता है मेरी मिर्चों में, या गरम मसाला भी काले मिर्च भी, इसीलिए नहीं मैंने डाला। अगर आपके पास नहीं है उसमें तो आप लाजम डालिए गरम मसाले के, खुशबू से कबाब मजे के बनते हैं। धनिया क्या थोड़ा सा बार मैंने मेरे आधे घंटे के लिए थोड़ा है, वो मुझे ब्रेड कर से पड़ा दो, इसीलिए मैंने करीब रखे थे। मुझे क्या पता इसमें डालते, 2 चम्मच है ना स्लाइस का, मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिया। तो बस इसके मैं बनाऊंगी कबाब। इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह ना बाइंडिंग हो जाए। चलो मैंने शुरू से आपको भी दिखाया, क्योंकि वही है, प्याज शुरू करो लहसुन अदरक डाल के टमाटर डाल के उसको ग्राइंड करके। तो यहाँ मैंने भून लिया है नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारा कुछ डाल के, सूखा धनिया इन पर डाला है। अब इसके दही डाल के थोड़ा सा भूनिया, मैं इसमें डालने लगी हूँ कबाब। कबाब इसमें कबाब डाल के इसको ऐसे ऐसे हिलाना, चम्मच को नहीं मारना बिल्कुल भी। और मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, चाहे कबाब हो चाहे वो कोफ्ते, जब आप इसमें डालते हैं ना मसाला भून के हल्का सा पानी का घोल डाले, मैंने दही डाली है, वो फिर मसाला थोड़ा ग्रेवी होती है ना जाते साथ थोड़ा पक जाते हैं, और इसको वैसे बचाने के लिए ना ऊपर से दही डाल दो। ये मेरे पास आज धनिया वाली पड़ी थी, मैंने वो भी डाल दिया, अपना धनिया अपनी दही ज़ाया की पड़ी। फिर दही डाल के ना धनिया रख दी है, अब थोड़ी देर के मैं इसको ढक्कन लगा के रखूँगी 3-4 मिनट, तो ये कबाब भी बिल्कुल सख्त हो जाएंगे। तो फिर आराम से हल्के हाथ से इसको भून के तो बस उतार लेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए गाय खुशी की तरह गाय, ये हो गए मेरे कबाब तैयार, ये प्यारे। तो गाइस हम लोगों ने रोल बना लिए हैं और उसके बाद अब बारी आ रही है दूसरी रेसिपी की। यहाँ पे अब बनने जाने हैं सूजी के पकोड़े। जिस चले बताएं मम्मा, सूजी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने 1 प्याले ली है सूजी। अब इसमें 1/4 जो उनकी है ना 1/3 दही की डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे ये मैंने 1 गाजर ली है, कद्दूकस कर ली है, और थोड़ी सी बंद गोभी कद्दूकस की है। बड़े क्रिस्पी बनते हैं ये, बहुत मज़े के। इसमें स्पाइसिस के जा रहे हैं तकरीबन 1 चम्मच है नमक, 1 ही डालूँगी, 1 से 1.5 मिर्च है, 1/2 टीस्पून गिरार है, 4 चाट मसाला, ताकि करारे बने। बाकी आप स्पाइसिस अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, हाली काली मिर्च वाले भी मैं बनाती होती हूँ, गरम मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल इस मुझे ये इनफ लग रही है। पहले इसके साथ आप मिक्स करो फिर पानी डालो, नहीं तो फिर पानी ना एकदम ज़्यादा हो जाता है। इसको मिक्स करके ना 15 मिनट कम से कम रखना है, क्योंकि सूजी फूल जाती है,
फिर उसके हिसाब से आपको पानी चाहिए हो तो थोड़ा सा डाल लो, नहीं तो फिर ना डालो। बस ऐसे ही बनेगा इसका मिक्सचर, जैसे बेसन का बनाते हैं ना वैसे पकौड़े तलने के लिए। ये मेरा रेडी, इसको 15 मिनट रखेंगे ना, फिर बाद में जब पकौड़े बनाने लगेंगे ना तब इसमें बेकिंग सोडा डालना, और अगर पानी चाहिए होगा तो फिर पानी भी डालेंगे, क्योंकि अब इसने सारा सोक कर लेना सूजी ने। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। गाइस ये देखिए हमारे रोल हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पे हो रहा है हमारा तेल गरम, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक आपको मैं ऐसे ही दिखाऊंगी और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी टाइम लैप्स पे। तो गाइस ये देखें हमारा पहली तैयार हो चुके हैं, पहला बैच कह लें इनको आप, ये रेडी हो गया, बाकी आपको टाइम लैप्स पे दिखाएंगे। गाइस ये देखिए हमारे रोल हो गए हैं रेडी और टाइम आ गया है थोड़ा, अब हम जल्दी से करते हैं सूजी वाले पकौड़े। ये हमारे पकौड़े सूजी वाले ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकालेंगे। हाँ जी यार बिस्तर बन लो। सो गाइस अब टाइम हो रहा है रात के 10 और भूख अभी तक लगी कि मैंने दोबारा अपने लिए बनाई और मैं खा रही हूँ, और यहाँ पे होता है हमारा व्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी सहरी में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।